हमें पता है कि इधर की बाउंड्री छोटी है एक साइड की, बट हमें कंटेन करना पड़ेगा और जो वेरिएशन है उसके साथ बॉलिंग करना पड़ेगा। इंडिया के जो कितने भी बैट्समैन है ना ऊपर वाले, वो मेरे से बच के रहें, क्योंकि मैं उनको जो है वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो कहते हैं कच्चा चुबा के खा जाऊंगा। वो उसका सबसे खतरनाक गेंद है, उसको देखा मैंने, मैं कहा यार अब फिट लग रहा है मुझे, उससे बड़ा इंडियंस हिल गए हैं। शाहिद अफरीदी ने जो वार्निंग दी है, उन्होंने बोला कि जो है पहले मैं फिट नहीं था, अब मैं मुकम्मल फिट हो चुका हूं और इंडिया के खिलाफ जो है मैं विकेटें लूंगा। जी इंडिया वाला मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पूरा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई खेलो आप क्रिकेट, चलो अपनी बॉलिंग से मैं उड़ा के रख दूंगा इंडियन टीम को। मैं उस तरह वाली बॉलिंग करना चाहता हूं जो मैंने 2021 में की थी। आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को व्हाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है, व्हेयरएज इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। इंडिया के खिलाफ मेरी कोशिश होगी जो 2021 में मैंने किया था वैसा ही कारनामा फिर से करूं और इंडिया के खिलाफ मैच को जीते और मेरी सबसे जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ हो। फिर यार अफरीदी ने यह बोला थी मेरी उस टाइम अच्छी फॉर्म नहीं थी, मैं इंजरी से वापस आ रहा था, वो सारा गुस्सा मैं जो है वो 15 अक्टूबर को निकालूंगा, मैं देख लेता हूँ कौन किस तरह परफॉर्मेंस देता है, ये देता वो देता। वही बात आ जाती है जो लोग सब कह रहे हैं कि जी वो तो पावरफुल है। लास्ट बार जब सामना हुआ था ना तो विराट कोहली ने काफी सारी फेंटा चढ़ा था, शाहिद अफरीदी को भी फेंटा लगाया था और आरएस राउफ को भी विराट कोहली ने काफी सारा फेंटा लगाया था। और एक क्रूशियल मोमेंट पे किसकी याद लगते हैं, शाहिद अफरीदी के लगते हैं। ये इतना इजी जो टास्क नहीं होने वाला है शाहिद अफरीदी के लिए कि आप जाएंगे आपके सामने हलवा बड़ा होगा उठा के खा लेंगे। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शाहिद अफरीदी के इस बयानों को लेकर बौखलाई हुई है। दरअसल बात यह है कि शाहिद अफरीदी ने एक लाइव टीवी शो पर बैठकर कहा कि हम भारतीय ओपनर को ऐसे धूल जटाएंगे कि भारतीय ओपनर कभी हमारे पाकिस्तानी बॉलरों के सामने टिक नहीं पाएंगे। दरअसल इस शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि भारत को भारत में हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, वहीं भारत को पाकिस्तान कहीं भी हरा नहीं सकता। लेकिन ये पाकिस्तानी बॉलर कह रहा है कि हम भारत को भारत में ऐसे हराएंगे कि भारत वाले सोच भी नहीं सकेंगे। वहीं शाहिद अफरीदी का कहना है कि 2021 में जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें भारतीय ओपनर का ऐसा हाल किया था हमने कि पूरी दुनिया देखती रह गई। वहीं इसको ये नहीं पता कि उस समय का समय दूसरा था। दरअसल इसको ये नहीं पता कि अभी 2022 में रिसेंट में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने शाहिद अफरीदी को ऐसी धूल चटाई कि शाहिद अफरीदी देखता रह गया। वहीं पाकिस्तान वाले ऐसा सोच रहे थे कि हम भारत से मुकाबला जीत गए हैं, लेकिन किंग कोहली ने शाहिद अफरीदी और हारिस राव को ऐसा पिटाई किया कि पूरी पाकिस्तान सदमे में चली गई। लेकिन इसको ये नहीं याद है, इसको ये याद है कि हम भारतीय ओपनर को ऐसा धूल चटाएंगे कि पूरी भारतीय टीम देखती रह जाएगी। वहीं ये बयानबाजी करता रहता है, पिच पर तो इसकी औकात नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर सके। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। शाहिद अफरीदी ने ये बोल दिया जी इंडिया वाले मेरे से बच के रहे, मतलब उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया, वार्निंग दिया इंडियन टीम मेरे से बच के रहे क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को नहीं छोड़ूंगा, अपनी बॉलिंग से मैं उड़ा के रख दूंगा इंडियन टीम को, मैं उस तरह वाली बॉलिंग करना चाहता हूं जो मैंने 2021 में की थी। ये शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं 2021 में मैंने किस तरह की बॉलिंग की थी, जब मैंने रोहित शर्मा को पहली बॉल पे आउट किया, फिर उसके बाद मैंने के राहुल को आउट किया, फिर मैंने विराट कोहली को आउट किया, वो वाला जो मैं परफॉर्मेंस दोबारा देना चाहता हूँ और इंडियन टीम को एक ही स्पेल में मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये शाहिद अफरीदी ने बोला। 22 में भी हमने देखा कि जब जो विराट कोहली ने अच्छी खासी पिटाई की थी शाहिद अफरीदी की, हारिस राउफ के छक्के सबको याद है लेकिन शाहिद अफरीदी की उससे पहले अच्छी पिटाई हुई थी, लेकिन सबने ये बोला कि यार शाहिद अफरीदी इंजर्ड है, भाई इंजर्ड है बंदा तो आपने खिलाया क्यों, लेकिन चले मानने वाली बात है शाहिद अफरीदी इंजर्ड थे। अब जो वो काफी सारे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो मैं मुकम्मल फिट हूँ और श्रीलंका के खिलाफ मुझे जो मैच प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और उसके बाद इंडिया के खिलाफ जो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और इंडिया को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पे जाते हैं और आप समझते हैं कि इंडिया के पास वो बॉलिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो आप नवाज को व्हाई नॉट भेज सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन है, व्हेयरएज इंडिया के पास ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है इस वक्त। जडेजा के ना होने से उनकी बैटिंग में आप देखें कि लेफ्ट हैंडर ना हो इस फॉर्मेट के अंदर तो बहुत ओपोनेंट के लिए इजी हो जाती है ना, अपने बॉलर जो होते हैं आपके खिलाफ खेल रहे होते हैं उनके लिए बॉलिंग की एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाती है, वेयर एज पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई रेड। गैरत इंसान हारिस राउफ के छक्के हम लोग भूल गए हैं, लेकिन कोई ये ना भूले कि शाहिद अफरीदी को विराट कोहली ने ज्यादा मारा था, उससे पहले जो ओवर था ना जब 18 बॉलों पर 48 चाहिए था, पहला ओवर फिर शाहिद अफरीदी को मिला था थर्ड लास्ट ओवर, उसमें शाहिद अफरीदी ने इतनी भी कोट खा ली थी
इतनी को कोटर हाली थी कि बड़ा गर्व करवा गया था मैच का। विराट कोहली ने पहली बाल पे शाहीन अफरीदी को आगे बाहर के निकल के चौका मारा था। शाहीन अफरीदी किधर था उसका, शाहीन अफरीदी फिर शाहीन अफरीदी ने यह बोला थी मेरी उस टाइम अच्छी फॉर्म नहीं थी, मैं इंजरी से वापस आ रहा था, वो सारा गुस्सा मैं जो है वो 15 अक्टूबर को निकालूंगा, मैं देख लेता हूं कौन किस तरह परफॉर्मेंस देता है, ये देता वो देता। शाहीन अफरीदी ने 2021 के वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, मैथ्यू वेयर से छक्के भी तो इस बंदे ने खाए थे ना। शाहीन अफरीदी ने जो वार्निंग दी है उन्होंने बोला कि जो पहले मैं फिट नहीं था, अब मैं मुकम्मल फिट हो चुका हूं और इंडिया के खिलाफ जो मैं विकटें लूंगा और इस बार जो मेरा मकसद है इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करना और इंडिया को शिकस्त देना। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ शाहीन ने भी यही बोला कि जो इंडिया से सिर्फ नहीं जीतना, हमने वर्ल्ड कप भी जीतना है, एम जो हमारा फोकस है वो वर्ल्ड कप के ऊपर है, लेकिन इंडिया के खिलाफ मेरी कोशिश होगी कि जो 2021 में मैंने किया था वैसा ही कारनामा फिर से करूं और इंडिया के खिलाफ मैच को जीते और मेरी सबसे जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ हो। अब ये इसको आप जो है तड़ी कह सकते हैं, इसको आप धमकी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो है शाहीन अफरीदी ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट किया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो हार जीत होती रहती है, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट का, ये बात मैं मानता हूं और ये बात वो हर बंदा मानता है जो क्रिकेट को समझता है। उधर से विराट कोहली कुछ भी कर सकता था, लेकिन बाबर आजम की सोच नहीं नजर आती। विराट कोहली का दिन था वो और उस दिन उसने ही जितवाना था मैच, ठीक है ना, और वो उधर से एक ही बंदा ने, मैंने आई थिंक एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे बोला था कि विराट कोहली और पाकिस्तान का मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, विराट वर्सेस पाकिस्तान था उस दिन। तो भाई जान लेवल है विराट कोहली का, घंटे ने कब अपना लेवल इस तरह का करना है, कभी भी नहीं करेगा। घंटा आपका ये जो घंटा है ना, ये वाला ये घंटा मैंने रखा हुआ है घंटा, ये कभी भी लेवल अपना उस तरह का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो कहते हैं ना कि ग्रेशन ही नहीं है। ये तो इंडिया के पास भी बैटिंग अच्छी खासी मौजूद है, बॉलिंग अच्छी खासी मौजूद है, तो ये इतना इजी जो है टास्क नहीं होने वाला है शाहीन अफरीदी के लिए कि आप जाएंगे आपके सामने हलवा बड़ा होगा उठा के खा लेंगे, वहां पर आपको मुकाबला करना पड़ेगा और इंडिया के साथ आपको दो दो हाथ करने पड़ेंगे, इंडिया को शिकस्त देनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है वो ये वर्ल्ड कप जीत पाएंगे और इंडिया को शिकस्त दे पाएंगे। बाबर आजम साहब ने कप्तान हमारे ने कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है मेहनत करके भी कौन सा हमने जीत जाना है, यहाँ ना हमारे बड़े जीते आए हैं कभी इंडिया से और ना हम जीते आए हैं। हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल किसी में भी ले लो, रिसेंट बॉस ले लो, रिसेंट अभी परफॉर्मेंस देख लो, पाकिस्तान बुरी तरह आ रहा है इंडिया से, पर रियलिटी है ना, वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग इस गेम को सीरियस लेते हैं, वो लोग अपना 100% नहीं 200% देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शाहीन अफरीदी के इस बयानों को लेकर शाहीन अफरीदी को ट्रोल कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि शाहीन अफरीदी का कहना है कि हम भारतीय ओपनर को इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसे धूल जटाए थे कि इनको देखने लायक था। दरअसल बात यह है कि शाहीन अफरीदी का कहना है कि 2021 में भारतीय ओपनर बल्लेबाजों को हमने ऐसा धूल जटाया था कि भारतीय बल्लेबाज देखते रह गए। वहीं उस मैच में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा को पहली बॉल पर ही आउट कर दिया था। वहीं इसको लेकर अभी तक रोना रो रहा है कि हम भारत को ऐसे ही भारत में हरा देंगे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि एक मैच में आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वहीं इसको अगर दम है तो 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ चलकर दिखाए। वहीं भारतीय बल्लेबाज बेगैरत इंसान को इतना धुलाई करेंगे कि पाकिस्तानी लोग देखते रह जाएंगे और शाहीन अफरीदी कभी सदमे में नहीं सोचेगा कि भारतीय बॉलरों के साथ भारतीय बल्लेबाजों के साथ हमारा पलड़ा पड़े। वहीं इसका धुलाई विराट कोहली ने पिछले साल ICC का जब T20 मुकाबला हुआ था तब बहुत किया था, उसके बाद हारिस राव का भी पिटाई किया था, लेकिन ये पाकिस्तानी वाले हैं ये मानते ही नहीं है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी शाहीन अफरीदी को समझा रही है कि भारतीय बल्लेबाजों के साथ पंगा ना ले, लेकिन ये पंगा लेता रहता है। वहीं शाहीन अफरीदी का ये पहली बार बयानबाजी नहीं हुआ है, बल्कि वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ बयानबाजी करता रहता है कि भारत को हम 15 अक्टूबर को ऐसी धूल चटाएंगे कि भारतीय मीडिया देखती रह जाएगी और भारतीय टीम तो सदमे में चली जाएगी, लेकिन इसको ये नहीं पता कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम को ऐसा धूल चटाएगी भारतीय टीम की पाकिस्तानी वाले सोचेंगे कि हम घर कैसे जाएं, लेकिन इनको ये नहीं पता है। वहीं इसके पहले बाबर आजम इस बात का रोना रो रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है उसको नहीं खेलेंगे, लेकिन BCCI और ICC ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि अगर ICC का ODI वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आओगे तो तुम्हारा रेवेन्यू शेयर तो छोड़ो, तुम्हारा ICC का जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कराने का राइट मिला है वो भी छीन लेंगे। जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तैयार हो गया है कि भारत में ICC ODI वर्ल्ड कप खेलने के लिए। खैर इस पर आपकी क्या राय है, क्या भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कौन जीतेगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।